ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे सभी मानते हो कि तुम कितने खुश नसीब हो। सभी मानते हैं कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन हम लोग खुश नसीबी बस जहां है वहीं तक ठहर जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। एक व्यक्ति था, उसका दादा भी है ना लकड़ी काटता था और उसका बाप भी लकड़ी काटता था जंगल में। और तो लकड़ी काटता था तो जहाँ तक उसका दादा काटा वहीं तक उसका बाप भी काटा और वहीं तक वो भी लकड़ी काटता था, आगे बढ़ता ही नहीं था। बोलता तो वहाँ एक साधु रहता था, तो साधु बोला कि तुम दिन भर इतना लकड़ी काटते हो, इतना मेहनत करते हो और उसके बाद भी मतलब एक दिन का गुजारा चलता है, फिर दूसरे दिन काटते हो। सॉरी, कुछ तो आगे बढ़कर देखो, आगे बहुत अच्छा चंदन का पेड़ है, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। तो बोलता है कि ये साधु यहाँ बैठे बैठे क्या सब कुछ जान रहा, मेरा दादा काटा, मेरा बाप काटा और हम भी काट रहे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि चंदन का पेड़ है क्या। तो सुंघाया उसको चंदन का पेड़ कि सुंघो, इस टाइप का पेड़ मिलेगा जो कीमती होता है। तो वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो सही में देखा चंदन का पेड़ है बहुत सारा। काटने लगा तो एक एक सप्ताह का उसका गुजारा चलने लगा, एक दिन काटा और सप्ताह दिन तक बहुत कमा लेता था तो सप्ताह दिन खाता था। तो बोला कि चलो अच्छा हुआ, निश्चिंत हो गया। फिर कुछ समय के बाद फिर साधु बोला, अरे तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो, सो आगे और बढ़ो, आगे और अच्छा है। तो आगे क्या अच्छा है, तो आगे चांदी का खान है, सो तुम देखो तो जाके। तो बोला ठीक है, जब चंदन का पेड़ मिला हो सकता चांदी का भी होगा। फिर चांदी का देखा तो आगे बहुत खदान है, तो हर सब मतलब जाता था महीन 6 महीना तक निश्चिंत हो जाता था, लाता था 6 महीने, बस उतना ही उसका जीवन जीने का तरीका था, उतना ही तक। तो फिर एक दिन साधु टोका कि तुम यही क्यों रुक जाते हो, स्वर आगे और बढ़ो, हो सकता है आगे सोने का मिल जाए तुमको, सोने का खदान है बहुत बड़ा। तो फिर इसी तरह वो सोने का खदान तक पहुँचा, तो 1-2 साल तक उसका गुजारा चलने लगा और बहुत अमीर भी बनने लगा। फिर धीरे धीरे एक दिन फिर बोला साधु कि आगे और बढ़ो, हीरो का खदान है। तो फिर हीरो में बढ़ा, तो अब तो वो बड़ा बड़ा महल तैयार करने लगा अपना, क्योंकि हीरा मिलने लगा तो बहुत अमीर हो गया। अब फिर बोला कि तुम यहीं क्यों रुक जाते हो हीरा के बाद भी, तो उसको गुस्सा आ गया। लकड़हारे को देखिए, जब मिलने लगता है ना तो अहंकार आ जाता है, तो उसको गुस्सा आ गया कि हर बार तुम बोलते हो नहीं समझते हो, बहुत हम पा लिए, बहुत हम पा लिए, बहुत खुश हैं हम, और कितना पाएंगे। तो बोला कि अच्छा सोचो तुम कि हम भी जानते थे, हम ही ना तुमको बताएं कि आगे चंदन का पेड़ है, उसके आगे चांदी का है, उसके आगे सोना है, उसके आगे हीरा है। अब सोचो हम क्यों नहीं लिए, ये तो सोचो, तुमको हम बता सकते हैं तो हम भी लेके अमीर, हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर पेड़ के नीचे एक साधु के रूप में। तू भी सोचने में पड़ गया, सही में जब यही बताया है तो इसको आखिर क्या मिला है जो ऐसे कर रहा है, इतना मतलब निश्चिंत है। तो बोले कि इसके आगे क्या है, तो बोले इसके आगे ध्यान है, अपने अंदर को टटोलो तो हीरो से भी बड़ा बड़ा खान मिलेगा जो तुमको मतलब सदा के लिए सुखी बना देगा। सो ध्यान में जब हमको भगवान मिल गए तो और क्या चाहिए हमको, वो साधु बोलता है। उसी तरह यहाँ पर भी बच्चों की स्थिति है, बच्चों की स्थिति बाहर से चलो लहसुन प्याज छोड़ दिए, ठहर गए, हम बहुत अच्छा कर लिए, वहीं तक सीमित, हम बहुत अच्छा कर लिए और प्राप्ति भी बाबा बाबा करने से हो रहा है प्राप्ति भी। फिर उसको बताया गया कि आगे और कुछ अच्छा करो, त्याग, आगे आगे बढ़ना मतलब त्याग करना, तो अपने समय को सफल करो, सब कुछ करो, तो आगे और बढ़ा तो उसको और कुछ मिला। तो हम लोग भी क्या किए, जब ब्रह्मचर्य में आए, लहसुन प्याज छोड़े बाहर का, तो बहुत कुछ प्राप्ति हुआ, लेकिन फिर भी कमी महसूस होता है, फिर भी कमी। तो फिर बाबा क्या बोल रहा कि बच्चे अब मन के संकल्पों तक पहुँचो, संकल्पों तक पहुँचो, तो धीरे धीरे संकल्प। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे कोई लहसुन प्याज तक ठहरे हुए, कोई ब्रह्मचर्य तक पालन कर लिए तो उन लोग समझ रहे कि हम तो 30 मार खा बन गए, कोई और आगे बढ़ा, तो इस तरह से लोग रुक जा रहा है, ब्राह्मण बच्चे भी रुक जा रहे हैं और प्राप्तियों में उलझ जा रहे हैं कि यहीं तक, हमको तो बहुत प्राप्ति हो गया।
लेकिन जिस दिन आप इन प्राप्तियों से भी ऊपर उठ जाओगे और अंतर मन को शांत करके बाबा का ध्यान में मगन हो जाओगे तो कोई प्राप्ति आपको छू भी नहीं सकेगा। मतलब प्राप्ति के पीछे आपको भागना बंद हो जाएगा, ये ठीक हो जाए, ये ठीक, ये सब किनारा हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा और वो स्थिति बहुत पावरफुल होता है, जिस समय हम कोई प्राप्ति चाहें ही ना, वो है ध्यान। जब कोई भी प्राप्ति, केवल हम मगन हो जाए अपने प्रभु के यादों में, प्रभु प्यार में मगन हो जाए, वो समय हम लोगों को लाना है। ये समय नहीं कि ये प्राप्ति हो रहा, बाबा को मिलने के बाद ये अच्छा हो रहा, वो अच्छा हो रहा, ये गुणगान खत्म हो जाना चाहिए। बाबा कहता है कि ये गुणगान जो है ना, अभी भी देवभान है। आप बोल रहे हैं बाबा मिला ना हमको, बहुत अच्छा हुआ, ये गुणगान भी आपका देवभान है। जिस दिन आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे, प्राप्तियों से भी ऊपर उठ जाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि क्या प्राप्ति है, वो एक अलग ही प्राप्ति होता है। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे तुम अपने आप को खुश नसीब समझते हो, ये खुश नसीबी क्या है, अभी तक हम लोग पहचाने ही नहीं। खुश नसीबी लोग इतना ही समझते हैं कि भगवान मिला तो मेरी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, मेरे अंदर की जो इच्छाएं वो पूरा हो जाए, मेरा ये हो जाए, इतना ही तक। अरे भगवान को जो पाले, जो संपूर्ण रीति से, तो बाबा कहता है कि जिस दिन हम भगवान को सच्चे दिल से पाएंगे ना, अभी भी सच्चे दिल से नहीं पाए हैं सच्चे दिल से। आज देखिए प्राप्तियां हो रही हैं, तो हम बोलते हैं नहीं बाबा मिला ना, बहुत ये हो रहा, वो हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, और कल नहीं होगा प्राप्ति तो बाबा खराब हो गया। तो भगवान को हम पाए ही नहीं वास्तव में, हम तो प्राप्तियों में उलझे हुए हैं, ये मिल रहा वो मिल रहा है। जिस दिन हम भगवान को पाले सच्चे मन से, अभी भी नहीं पाए हैं, जिस दिन हम सच्चे मन से पालेंगे ना, उस दिन हमारा अंतर मन शांत हो जाएगा, रुक जाएगा कि अब नहीं, इन दुनियादारी, ये रिश्तेदारी, ये सब कुछ एक तरफ, मेरा बाबा एक तरफ। तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये सब किनारा हो जाएगा। इन सब से परे साधु सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी, वो लोग भी बहुत ऊंचे थे। शुरुआत में जो साधु सन्यासी थे वो बहुत ऊंचे थे, ऐसा नहीं है, उनकी भी महिमा बाबा बहुत बार करता। हाँ भल उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं था, लेकिन वो तत्व ज्ञानी भी बने ना। तो जो परम धाम की स्थिति है, जहाँ पर हमारा बाबा रहता है, और उस स्थिति को वो अनुभव करते हैं, भल वो बाबा को नहीं पहचाने सन्यासी लोग कि वहाँ पर हमारा शिव बाबा रहता है, लेकिन वहाँ का जो वाइब्रेशन है ना, वो इतना साइलेंस में चले जाते हैं कि वहाँ का वाइब्रेशन उनको कैच होने लगता है, और उस वाइब्रेशन में वो सब कुछ त्याग करके तपस्या करने लग जाते हैं। कुछ तो प्राप्ति हुआ होगा ना, तो मीराबाई को क्या मिला, राजकुमारी थी, उसको किस चीज का कमी था, उसका बोलना और जेवरों का लाइन लग जाता था, कोई चीज का कमी नहीं था। क्या मिला, महसूस हुआ, वो प्यार, रूहानी प्यार महसूस हुआ, किसके आगे और कुछ नहीं, ध्यान के आगे कुछ नहीं, ये उसको मिला। हम लोगों को डायरेक्ट ध्यान क्या, भगवान मिल गया, ध्यान क्या, ध्यान भी छोटा है। बाबा कहता ना, ध्यान, प्रार्थना, आराधना, इन सबसे ऊपर है जब हम परमात्मा में विलीन हो जाए, मतलब हमारे स्वरूप से ना परमात्मा दिखे, हम लुप्त हो जाए, हम खो जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा और तारे खो जाते हैं, दिखता है दिन में चांद और तारा, जैसे शाम होने लगता है तो आपको चांद और तारा दिखने लगता होगा, क्योंकि सूरज अपनी रोशनी समेटने लगता है तो चांद और तारा दिख जाता है। तो इतना बाबा के प्रकाश से हम लवलीन हो जाएं कि हम छुप जाएं और बाबा ही दिखे। और इसी कारण आज की मुरली में भी बोला ना, सर्वव्यापी। क्यों सर्वव्यापी, क्योंकि हम सब वैसे बन जाएंगे ना कि हर एक में बाबा दिखने लगेगा, शिव बाबा दिखेगा हर एक में। और इसी कारण से बाहर वाले लोग बोलेंगे कि भगवान तो तुझ में भी है, तो मुझ में भी है, उसमें भी है, तो इसमें भी है, सब में है, लोग इसी कारण कहेंगे। तो वो स्थिति हमें बनाना होगा, प्राप्तियों में उलझना, इस दुनिया में रमना है। क्या प्राप्ति चाहिए बताएं, घर मिला, मिल गया, उसके बाद
उसके बाद दूसरी प्राप्ति, ये चाहिए फिर ये चाहिए, भागते रहेंगे कब तक? तो बाबा कहता सच्चा सच्चा खुश नसीब अपने आप को समझते हो? सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हमारा है। क्यों? हमने भगवान को जाना, भगवान इतनी सारी आत्माओं में हमें चुना, इसलिए हम विशेष हैं। तो हरे क्या समझती हो कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब है मेरा कि नहीं? है ना सबसे बड़ा बड़ा नसीब। तो हर एक समझते हो कि कोई कोई समझते हैं, हर एक समझते हैं कि मेरा नसीब सबसे ऊंचा है। नसीब ऊंचा होना माना प्राप्तियों के पीछे भागना बंद, जो मिला एकदम स्थिरता में रहे। तो जब खुश नसीब है तो खुश रहते हो कि उदास रहते हो? खुशी दिखना चाहिए, निश्चिंतता दिखना चाहिए। प्राप्तियों में खुशी मिल जाए ये बड़ी बात नहीं, जब कुछ ना मिले तो भी हम नशे से कहें मेरे साथ मेरा बाबा है, तब वो खुशी है, तब वो खुशी है। क्योंकि प्राप्तियों में तो भक्त भी रम जाते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। तो सदा खुश रहते हो? कभी कभी तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना आज खुश है कल कोई उलझन आ गया तो फिर मुंह लटक गया, चेहरा लटक जाता है। ये क्या आप प्रत्यक्ष कर पाएंगे ऐसे में कि भगवान मिला? अगर हमारा चेहरा उदास हो जाए और हम पहले से 10 दिन से बोल रहे थे हमको भगवान मिला है, हमको तो भगवान मिला है, और 11वां दिन कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाए तो लोग मानेगा कि आपको भगवान मिला है? चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए लेकिन हमारा चेहरा झुका हुआ ना रहे, उदास ना रहे, निराश ना रहे, हमेशा नशे में रहे कि भगवान मिला है। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए हिमते मर्दा मददे खुदा, वो स्थिति होनी चाहिए। बहुत ऐसी बार परिस्थितियाँ आई, दुख, लोगों के ताने सुने, दुख, शरीर में रोग आया, सारे परिवार वाले एक तरफ हो गए, सारे समाज वाले एक तरफ हो गए थे ना, लोग परखना चाह रहा था कि भगवान सच में इसको मिला है कि ऐसे ही कोई इसको फंसा लिया है, कोई साधु संत तो फंसा नहीं लिया इसको, कोई जादू टोना तो इस पर नहीं कर दिया गया, हुआ ना परख। सेंटर में आके भी तोड़ फोड़ जब होता था तो क्या उस समय सोचते थे, मेरी स्थिति तो मम्मा जैसी है, ये सोचते थे, ये नहीं सोचे कि लोग क्या सोचेंगे कि हाँ देखो तोड़ फोड़ मचा रहा है, ये सोचते थे कि मम्मा जिस घर में थी आई थी वहाँ भी तोड़ फोड़ मचाया गया था ना, फिर शांत हो जाता था। तो हमारी स्थिति मम्मा जैसी बन रही है, तोड़ फोड़ मचा रहा है तो क्या हुआ, फिर भी बाबा के कार्य में तो हम रमेंगे, हम तो और करेंगे। लोग ताने देते थे ये तो पूरा रम गई है, पूरा मतलब लगता क्या इसको कर दिया गया है, बोलते थे बहुत अच्छा ये तो, इन लोगों को विश्वास हो चुका है कि हम पूरी तरह से रम चुके हैं, और मुझे खुशी होता था। तो यही स्थिति बाबा को प्रत्यक्ष करने की स्थिति कि हम कैसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उदासी नहीं आना चाहिए। मेरा बाबा बैठा है ना वो नहीं जान रहा कि मेरे ऊपर क्या आ रहा है। हम सदा खुश रहें, सदा निश्चिंत और नशे में रहें कि भगवान मेरे साथ है। भगवान को बताते चले जाए, देखो बाबा ये ऐसे कर रहा है, अब ये बच्चा आपका बाबा आप संभालो, बाबा ये ऐसे हो रहा है और हम निश्चिंत है, अब तुम संभालो। जैसे बच्चा स्कूल से आता है बोलता है मम्मी ये मार दिया, अच्छा ठीक है हम कल स्कूल जाएंगे तो बता देंगे, उसको पूछेंगे क्यों मारा। एक कल एक बच्चे से बात हो रहा था तो उसका सीनियर एक बहुत मतलब उससे ऊंचा क्लास था, वो 7 साल का बच्चा है और उसका एक छोटा सा भाई जो 5 साल का छोटा बच्चा है, दोनों स्कूल जाता है तो दोनों चचेरा भाई है, अपना नहीं ऐसे चचेरा भाई है लेकिन अपने से भी ज़्यादा प्यार है। तो जो छोटा वाला भाई था ना उसको जो सीनियर था मतलब 10-12 साल का जो बच्चा था मार दिया था। अब वो छोटा वाला भाई रोने लगा अपना इस भाई के पास कि मार दिया, और गया उस 7 साल का ही बच्चा और था 10-12 साल का, उसको गया बहुत मार दिया। अब टीचर के पास रोता रोता वो शिकायत किया बड़ा बच्चा और उसके पेरेंट्स को बताया गया, वो डरता नहीं था, वो बच्चा डरा नहीं, वो टीचर के सामने बोला कि टीचर जी सो हम पहले नहीं मारे हैं,
सो पूछिए उससे कि मेरा छोटा भाई है तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि नहीं। मेरी छोटी मम्मी बोलती है ना कि देख देखिए भाई बेटा, सो ये भाई है ना आपका, इसका जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप इसको देखिएगा। तो हम नहीं देखेंगे, इसको पहले वो मारा है, पूछिए उससे। छोटा सा 7 साल का बच्चा वो बोल रहा है। सो वो इसको मारा तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे, हम तो उसको मार के आएंगे। अब जो टीचर था ना, वो सच में बुलाया तो पता चला वो सही में मारा था, तो फिर उसका गलती था और इसके बाद ये छोटा बच्चा मारा। तो देखिए कैसे, मतलब एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा जिम्मेवारी निभा लिया, कितना बड़ा जिम्मेवारी निभाया। और हम बच्चों के ऊपर स्वयं भगवान जिम्मेवारी का ताज पहना रहा और हम लोग अलबेले हो जाते हैं, हम लोग अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा सबसे बड़ा जिम्मेवारी दे रहा है कि बच्चे तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से ही मेरी प्रत्यक्षता होगी। हम लोग इस जिम्मेवारी को निभा पा रहे हैं 100% सदा खुश हैं कि प्राप्ति हो रहा तब खुश हैं? हाँ, सदा खुश रहना, हमें सदा हंसते खिलकर कोई भी परिस्थिति आ जाए वो तो आएगा ना। अब देखिए घर में सारे बच्चे तो ज्ञान में नहीं है, सारे बच्चे तो ज्ञान में नहीं है। अब जो ज्ञान में है तो सोच रहा है कि मेरे पूरे परिवार का जिम्मेवारी बाबा ले ले, ये कैसे होगा। हर एक आत्मा अपना नसीब लेकर आती है। आप एक आदमी चल रहे हैं और आप सोच रहे 100 लोगों का नसीब बना दे, ये नहीं हो सकता है। आप सकाश दे सकते हैं लेकिन नसीब तो अपने अपने कर्मों से मिलता है, हमारे सिर्फ कर्मों से नहीं। तो बाबा कहता जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकती हुई सितारों को देखकर खुश रहते हो कि हमारा सितारा चमक गया, तेरे भाने सबका भला, हम सबका भला करते चले जाए, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो बाप की जिम्मेवारी है। तो क्या ऐसा सितारा चमकता हुआ देख पा रहे हो कि अभी भी उलझ जाते हो, ये क्यों हुआ बाबा, हम तो आपको बहुत मानते थे, हम तो बहुत याद करते थे, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों, ये सवाल ही क्यों। जब ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अकेले है ना, देहधारी देहधारियों के साथ है लेकिन आत्मा बिल्कुल अकेली है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये सब ज्ञान ही नहीं, केवल आत्मा सितारा है। तो उसके अंदर कोई ज्ञान है, वो मर्ज रहता है, बस सितारे के रूप में वो चमकता है। जब शरीर में आता है ना तब उसका मन बुद्धि सब कार्य करने लगता है, तो इसीलिए आत्मा अकेली है। तो अभी बाबा हमें ज्ञान दे रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो तो अकेले बन जाना है ना, अकेले बन जाना है। फिर क्यों हम सोचते ये साथी बन जाए, ये सहयोगी बन जाए, ये मेरा परिवार ये ठीक हो जाए तब हम ये करेंगे, ये आप रुक रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। बाबा तो अब क्लियर कर रहा है बच्चे अब चलना है घर, अब समय खत्म हो रहा है, अब समय नहीं है। तो दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं कि नहीं बजते हैं, क्या होता है कभी कभी रावण का बाजा तो नहीं बजने लगता, रोने पीटने तो नहीं लगते हो। रावण का बाजा क्या है, रोना पीटना है ना, चिल्लाना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और राम का बाजा खुशी, यही बाजा है, निश्चिंतता यही बाजा है, नशा ये बाजा है। तो कौन सा बाजा बजाते हो, रोने पीटने वाला कि निश्चिंत नशे में रहते हो, निश्चिंत रहते हैं। तो कौन सा गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह गाते हो कि भगवान मिल गया है, सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि भगवान मिल गया है, और इससे ज्यादा भाग्य क्या चाहिए। तो इसीलिए अपने अंतर में जाएं, घुसें अपने अंदर कि मुझे क्या चाहिए। अंतर मन में जैसे कि कपड़ों की चाहना है, आप अंतर मन में जाकर देखिए बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ, बहुत सारा मतलब दुनिया का सबसे कीमती कीमती साड़ी या कपड़े पड़े हुए हैं। अंतर मन में देखिए, विचार करें और उसके बाद आप सोचें कि अगर मेरा शरीर अगर रोगी है तो क्या ये सारा जो महंगा महंगा कपड़ा है वो काम आएगा, खुशी देगा। अब फिर आप इमर्ज कीजिए कि मेरे पास सोने हीरो का खादान है पूरा, बहुत सारा जेवर है, और उसके बाद आप सोचिए कि घर में कलह कलेश छीना झपटी हो रहा, क्या ये धन कमाएगा।
तो फिर अंतर में जाइए फिर से कि आखिर मुझे चाहिए क्या, तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमें भगवान जैसा बनकर चलना चाहिए, बस। हमें अंतर मन को शांत करके चलना चाहिए कि मुझे अब कुछ नहीं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट। आज क्या है कि जो मिलता ना उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो अगर उससे कुछ ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छा हो जा रहा, चलो ठीक है, नहीं मिला तो भी हम खुश हैं। ये निश्चिंत स्थिति हमारी बन जानी चाहिए कि जो भी मिले ना मिले, बाबा मिला, सब कुछ मिला, बस इसके आगे कोई चाहना नहीं। तो सदा गीत गाते रहो भगवान और भाग्य का, भगवान और भाग्य का, कि भगवान मिला इससे बड़ा भाग्य कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। अपना कर्म अच्छा से अच्छा करते जाएं, निश्चिंत रहे। परिस्थितियां आती हैं बड़ी बड़ी, क्यों आपको परखने के लिए कि आपको सच में नशा है कि केवल अच्छे समय में नशा चढ़ता है, बुरे समय में फिर भूल जाते बाबा को, बाबा ये ऐसा हो रहा वो ऐसा हो रहा, नहीं। तो आप ही लाडले हो बाबा के, बाबा कितना प्यार से बोला आप ही मेरे लाडले बच्चे हो। लाडला होता है तो उसको कितना प्यार किया जाता है, बहुत प्यार करते हैं। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ अपने आप भाग जाएगा, व्यर्थ भागेगा ना, तो भगाना नहीं पड़ेगा, भाग जाएगा वो। तो इसीलिए सहज भगा दो, सहज वो भाग जाए, तुम्हें भगाना ना पड़े। तो सदा क्या करना है, बाबा मिला सब कुछ मिला, इसी भाग्य का गुणगान करना और कुछ नहीं, सदा निश्चिंत रहना है। ओम शांति।